देवदास और पारो की कहानी। इसकी हकीकत जुड़ी है बिहार के भागलपुर से। इस कहानी को लिखने वाले साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जहां ननिहाल है। शरद चंद्र का बचपन अपने ननिहाल में ही बीता था। आपको आज हम बताते हैं कि आपने जिस देवदास और पारो की कहानी सुनी होगी वो काल्पनिक नहीं है, उसकी एक हकीकत है जिसे शरद चंद्र ने कलमबद्ध किया और सबके बीच ये कहानी आई। सच्ची घटना पर आधारित देवदास की कहानी उन्होंने भागलपुर में रहकर लिखी थी। वही शहर के गंगा किनारे स्थित मानिक सरकार मोहल्ले की मुख्य सड़क पर आज भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पर नाना की वो हवेली है जहाँ रहकर उन्होंने ये कहानी लिखी थी। देवदास और पारो की कहानी किसी अन्य की जीवनी नहीं बल्कि शरद चंद्र और पारो की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। भागलपुर के दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले शरद चंद्र को पारो से कैसे प्रेम हुआ और पारो के घर वालों को ये नगवार गुजरा तो उन्हें शरद चंद्र से दूर किया गया। इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि आज भी उनके रिश्तेदार उन यादों को कैसे बयां कर रहे हैं। देखिए शरद बाबू तो हिंदी साहित्य, उनका जितना भी साहित्य बोलिए, वो बांग्ला लिखे थे, उसी के बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में। तो उनका जो सबसे फेमस जो देवदास कहानी, वो कहानी भी भागलपुर से आधारित थी। और श्रीकांत जो भागलपुर उनका लिखा हुआ है वो भी भागलपुर से लिखा हुआ है। उनका श्रीकांत हुआ, देवदास हुआ, परिणीता हुआ, स्वामी हुआ, हाँ बड़े बहू हुआ, हाँ जितना भी उनको कहानी था वो काल्पनिक नहीं था, वो वास्तविक था। क्योंकि भागलपुर में उस समय पर, जिस समय पर वो रहे हुए थे, वहाँ उस समय बहुत कैरेक्टर उन यहाँ पर भागलपुर से लिए हुए थे। उस समय पर वैसे वैसे आदमी थे, वैसे स्वभाव के आदमी थे, जिन्होंने वो बहुत ज़्यादा माने उसको देखे और उसी के ऊपर वो भागलपुर में बहुत कहानी यहाँ से लिखे हैं। कुछ कहानी का आधा अंश फिर बंगाल में जाके भी लिखे हैं, मगर उनका जितना भी चरित्र चिंतन किए हैं वो मैक्सिमम भागलपुर के ही ऊपर आधारित थी। हमारा घर से हम लोग सुने हैं, मेरा फादर को से भी हम सुने हैं कि वो वास्तविक थे। आनंदपुर गांव से भागलपुर आ गए थे, तो इनका पढ़ाई लिखाई ननिहाल में ही हुआ। और उनका सबसे शुरू में दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय जो अभी भी है स्कूल, उसी स्कूल में उसका दाखिल किया गया एकदम छोटे उम्र से, उसी में वो पास किए। फिर उसके बाद वो कॉलेजिएट स्कूल से भी एंट्रेंस किए थे और वहाँ से कुछ दिन भागलपुर रहने के बाद भागलपुर यहाँ से छोड़ के वो बंगाल चले गए थे। मान के चलिए उनका 4-5 साल जब वो थे तब वहाँ से चले आए थे। और यहाँ मैक्सिमम वो जौवन मैंने बोलिए कि एक 20-22 साल मैंने यही मान के चलिए कि इस एज जो सबसे ज़्यादा बीता हुआ जगह वही है भागलपुर। और इसलिए उनका बहुत लगाव था भागलपुर से। भागलपुर वो जब चले गए रेंगून तब भी भागलपुर में मेरे ग्रैंडफादर को चिट्ठी लिखते थे कि भागलपुर में कैसे है, वो आदमी कैसे है, वहाँ कैसे वातावरण है, वो पूछते रहते थे कि भागलपुर उनके लिए इतना ही अच्छा जगह था। और उस समय के ज़माना में यहाँ पर गंगा जी थे, परमानेंट गंगा, जिसमें उन लोग का जो श्रीकांत में आपको वर्णन है कि वो लोग मछली का डिंगी लेके वो लोग चले जाते थे, मछली पकड़ने चले जाते थे इंद्रनाथ के साथ। तो वो सब कहानी तो उनको था, वो तो वास्तविक था। तो पूछते थे कि गंगा जी अभी भी है, कितना पानी है, क्या नहीं है, मतलब सारी चीज़ भागलपुर के बारे में उनका यही था। और शेष जीवन में जब वो काफ़ी एज हो गए थे तब में वो भागलपुर आया करते थे। तो मेरा यहाँ भागलपुर में हमारा घर में जगधात्री पूजा होती है, तो उनका जगधात्री पूजा और छठ पूजा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो छठ पूजा में भी अपना भाग लेते थे और जगधात्री पूजा उसके 2 दिन के बाद, छठ पूजा का 2 दिन के बाद नवमी में वो पूजा होते हैं जो कि आ जाते थे। और वो लास्ट जीवन में तक जितना दिन उनको शरीर चला तब तक ये भागलपुर में आते थे और यहीं पर वो पूजा पाठ करके उसके बाद वो भागलपुर कलकत्ता चले जाए। उनका यहाँ किताब तो मौजूद है, उनका जो सबसे मैंने फेमस मैंने देवदास जिनके लिखने अभी 18 भाषा में उनका लिखा गया है उस किताबें को,
हाँ, वो भी उनका भागलपुर के ऊपर आधारित है। हम उनका ममेरा भाई का बेटा है, बचपन में वहाँ यहाँ ही रहते थे, उसके बाद मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वो यहाँ से चले गए बंगाल। तो बचपन में आदमी जिस चीज़ को देखता है वही मन में घर कर लेता है, स्वाभाविक था कि उनका भी मन में यही सब बात आया होगा। हमारे परिवार के लोग पढ़ाई लिखा के बारे में सजग थे, कंजर्वेटिव माइंड के थे, डिसिप्लिन था। एक किताब था मंदिरा, जो उन्होंने पहले लिखा था, वो अपना नाम से छपवाने के लिए वो मैंने कुछ संकोच करते थे कि पब्लिक कैसे लेगा नहीं लेगा, इसलिए मेरा ग्रैंडफादर को बोले थे कि आप ही का नाम से छपवाइए। वैसे ही छपा था मेरे ग्रैंडफादर के नाम से, उसका नाम था मंदिरा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।